आज हम बात करेंगे निकोन के Z8 कैमरा की और देखेंगे कि किन लोगों के लिए ये कैमरा बना है और किन लोगों को ये कैमरा बाय करना चाहिए, इसके अंदर क्या अच्छे फीचर्स हैं और क्या इसके अंदर माइनस पॉइंट हैं। ये एक मिररलेस और फुल फ्रेम कैमरा है जो कि 45.7 मेगापिक्सल के स्टैग्ड सीमोस सेंसर के साथ आता है। इतना बड़ा सेंसर कोई नई बात नहीं है, हम ऑलरेडी ये वाला सेंसर निकोन के D850 के अंदर देख चुके हैं। इतने बड़े सेंसर का सीधा सीधा मतलब है कि इसके अंदर हमें इमेज क्वालिटी बेटर ही मिलने वाली है। इसके वेट की बात करें तो इसका वेट इंक्लूडिंग बैटरी और रिकॉर्डिंग मीडिया 910 ग्राम बनता है, जो कि काफी लाइट है। निकोन के Z9 कैमरा से इसका जो वजन है तकरीबन 30% कम है। इस पर हमें बैकलिट बटन देखने को मिलते हैं, जिसका ये फायदा है कि अगर हम लो लाइट के अंदर शूट कर रहे हैं तो हमको मेन्यू ढूंढना आसान हो जाएगा। अगर हम इसकी कलर साइज की बात करें तो इस पर बहुत ही अच्छे कलर्स निकल कर आते हैं। इवन अगर आप कस्टम व्हाइट बैलेंस की बजाय ऑटो पर रखकर शूट करें तो भी पोर्ट्रेट के अंदर ये कमाल के कलर देता है। अगर आप प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पर काम करते हैं या कमर्शियल शूट करते हैं तो ये कैमरा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस कैमरा में हमें टेक्निकली 493 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं। इस कैमरा में हमें AI बेस्ड सब्जेक्ट डिटेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसका मतलब है कि इसका जो फोकस वाला सिस्टम है वो कमाल का होने वाला है। अगर आप फोकस के लिए कैमरा बाय कर रहे हैं तो ये वाला कैमरा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे आप सिंगल चार्ज पर 340 शॉट ले सकते हैं, जबकि हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसके अंदर हम 85 मिनट की वीडियो निकाल सकते हैं। इस कैमरा में हमें 3.69 मिलियन डॉट का व्यू फाइंडर देखने को मिलता है और इसके अंदर किसी भी किस्म का लैग नहीं होता। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो इस कैमरा में आप शूट कर पाओगे 8.3K 6P NRAW, इसके अलावा 4.1K 6P ProRes RAW पे ये शूट करेगा। अगर आप इसे हाई कोडिंग पर और लगातार यूज करते हो तो इसके अंदर ओवरहीटिंग का भी मसला होता है, लेकिन ये शट डाउन नहीं होता। अब हम बात करेंगे ये कैमरा किन लोगों को बाय करना चाहिए, किन लोगों के लिए ये कैमरा बना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप व्लॉगर हैं या एक यूट्यूबर हैं या फिर अगर आप बिगनर है तो ये कैमरा हरगिज ना लें। अगर आप पुराने फोटोग्राफर हैं या प्रोफेशनल शूट करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं तो फिर आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो और इस कैमरे का रिव्यू? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहें हमारा चैनल। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।